हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। ओडोगोनियम का प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। अब ओडोगोनियम का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ग्रोथ एंड सेल डिवीजन हम देखेंगे। ओडोगोनियम एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कैप सेल्स। और वो किस प्रकार से बनती हैं वो अब हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैप सेल्स। ग्रोथ इन ओडोकोनियम टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवीजन्स इन द इंटरकैलरी सेल्स। ऑल सेल्स ऑफ द फिलामेंट एक्सेप्ट होल्ड फास्ट एंड एपिकल सेल आर केपेबल टू डिवाइड, बट डिविजन्स आर कन्फाइंड टू ओनली फ्यू सेल्स। द सेल डिविजन ओडोगोनियम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग ऑफ वॉल मटेरियल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द सेल, एंड दिस ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन थिकनेस एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट इज डिपिक्टेड एज बी। अ रिंग इज फॉर्म्ड एंड इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन थिकनेस। The nucleus migrates through the center of the cell and divides mitotically. This is shown in C. And during telophase, an unattached floating septum is laid down between the two daughter nuclei. The septum is formed due to continuous accumulation of vesicular materials, microtubules, etc. from the cytoplasm, as you can see in the figure 33rd, this is shown in the slide C. The ring of the wall material now elongates, causing a split in the parent wall near the apical ring, and in this process a part of the ruptured parent wall remains attached to the anterior or the distal end of the new daughter cell in the form of a cap, as you can see in the deep. The other portion of the ruptured parent wall can be seen at the proximal end of the new cell. Finally, the floating septum gradually migrates upward to the base of the daughter cell and develops into a mature cross wall. Thus, each division of the cell results in the formation of an apical cap, and the number of caps in a cell indicates the number of times it has divided. The number of caps indicates the number of times a cell division has taken place. फाइनली दिस इज शोन बाय एफ। अब हम इसको हिंदी में इस प्रकार से समझेंगे। ओडोगोनियम का जो तंतु है उसमें सभी कोशिकाएं विभाजन करने में सक्षम होती हैं, सिवाय इसकी जो संलग्नक कोशिका है या जो एपिकल सेल है उनको छोड़कर। तंतु की सारी कोशिकाएं विभाजन करने में सक्षम है, विभाजन के योग्य हैं। तंतु की कुछ अंतर्वेशी, जैसे कि अभी इंग्लिश में हमने पढ़ा कि अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी कोशिकाओं के विभाजन से वृद्धि होती है। वृद्धि विभाजन के उपरांत क्या होता है कि संतति कोशिका पर ढक्कन पाए जाते हैं, संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल पर ढक्कन पाए जाते हैं, कैप पाई जाती है, और इन ढक्कनों की संख्या इस बात को रिप्रेजेंट करती है, इस बात की द्योतक है कि कोशिका में कितनी बार विभाजन हुआ है। जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा कि नंबर ऑफ कैप्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ डिवाइडेड। अब ओडोगोनियल्स में जो सेल डिवीजन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। सर्वप्रथम क्या है, कोशिका का जो केंद्रक है कोशिका के दूरस्थ सिरे की ओर प्रस्थान कर जाता है, और ऊपरी पट के समीप हेमी सेलुलोज की बनी
तीन परतों वाली एक छल्ले के समान संरचना बनती है, जैसा हमने इसमें देख रहे हैं रिंग जैसी संरचना बनती है, और ये छल्ला निरंतर बढ़ता जाता है तथा मोटा होता जाता है, आकार में बढ़ता जाता है। केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। दो संतति केंद्रकों के मध्य माइक्रोट्यूब्यूल्स व वैक्यूल्स द्वारा एक अपूर्ण प्लावित पट, जिसको हमने कहा फ्लोटिंग सेप्टम, सेप्टम का निर्माण होता है, जैसा कि सी में दिख रहा है। और इस छल्ला जो बन रहा है, जो रिंग बन रही है ऊपर की ओर, इसके विपरीत कोशिका की मूल भित्ति, जो कोशिका की सेल वॉल है, वो टूट जाती है और छल्ला जो है अनुदैर्ध्य दिशा में विस्तारित होकर टूटी हुई भित्ति के नीचे कोशिका के दूरस्थ सिरे पर एक बेलनाकार आवरण बना लेता है। छल्ला एक बेलनाकार आवरण बना लेता है। कोशिका के आधारी भाग में जीवद्रव्य का विस्तार होता है, और जो ये पट है, जो पट बन रहा था, जिसको हमने कहा था फ्लोटिंग सेप्टम, ये ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। और ये तब तक होता है कि जब तक यह पट मूल भित्ति के स्प्लिट तक नहीं पहुंचता। अब यह जो पट है, अब केंद्र की वृद्धि करके पार्श्व भित्ति से जुड़ जाता है, और पट के ऊपर की जो कोशिका है उसको हम संतति कोशिका या डॉटर सेल कहेंगे। उसमें जीव द्रव्य विस्तार होकर जनक कोशिका के आकार की वो कोशिका बन जाती है, पेरेंट सेल के साइज की कोशिका बन जाती है, जो कि संतति कोशिका या डॉटर सेल कहलाती है। छल्ले के पास से जो फटी हुई मृत कोशिका की जो मूल भित्ति की है, कोशिका के ऊपरी भाग पर ढक्कन के समान पाई जाती है। मृत कोशिका की जो मूल भित्ति है वो संतति कोशिका के ऊपरी भाग पर ढक्कन के फॉर्म में, कैप के फॉर्म में पाई जाती है। इस कोशिका को ही ढक्कन कोशिका भी कहते हैं, और फटी हुई भित्ति का जो शेष भाग, फटी हुई भित्ति का जो शेष भाग है, वो संतति कोशिका के आधार पर पाया जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बारंबार विभाजन होते हैं, और ढक्कन कोशिका या कोशिका के जो संतति कोशिका बन रही है उसके शीर्ष पर ढक्कन पाए जाएंगे, जिन्हें हम एपिक कैप बोलते हैं या एपिकल कैप कहलाती है। तो फॉर्मेशन जो है कैप का जो हो रहा है, वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है। ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जो आप उडोगोनियम का देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैप्स नज़र आ रही हैं ट्रांसवर्स बैंड्स की तरह। ये जो कैप्स हैं ये अच्छे से क्लियरली विजिबल हैं। क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम है ये, क्लियर पिक्चर है उडोगोनियम की, शोइंग कैप सेल्स। थैंक्स।